say? You want a partner? आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय आकाश जी का और पूरी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का. उनके माध्यम से आज लोग आप लोगों के बीच में मैं यहां पर उपस्थिति देने के लिए आया हूं. बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी श्रोतागण का जिनकी वजह से मुझे इतना प्यार मिला जो लफ्जों में बयां भी नहीं किया जा सकता. और ये पूरी दुनिया में जो चलता है वो पूरी दुनिया में जो चलता है वो सिर्फ प्यार ही चलता है. और मैं और आप हम साक्षात हम दोनों साक्षात सबूत हैं. वो ऐसे कि जैसे यहां निकट बिहार लगा हुआ है वैसे ही मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी वो यूपी बिहार की रही. और मेरी जो पत्नी है वो यहीं से है. तो मैं यहां पे आके ये कहा करता हूं कि मुझे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं नेपाल से कितना प्यार करता हूं. मैंने पहले साबित कर दिया. मुझे जो यहां का सबसे अच्छा जो तरीका लगता है वो ये है कि यहां का पुरुषार्थ और यहां का प्रेम हिलाए नहीं हिलता है. ऐसा कमाल का कमांड देखा है. चाहे जिंदगी में जो दौर आया हो चाहे जो तकलीफ आई हो चाहे जो कष्ट आया हो मैं किसी भी दौर से निकला मेरा साथ सदैव दिया. और मैं मुंह बोले ऐसे ही ससुराल में आ गया उसे तारीफ नहीं कर रहा हूं. इसे तारीफ कर रहा हूं कि वो इस लायक है. और 34-35 साल निकल जाते हैं शादी ब्याह के तो उसके बाद तारीफ से आगे निकल जाते हैं. ये कहकर मैं मेरी एज डिस्कस नहीं कर रहा हूं. आज ये प्रॉब्लम नहीं है. डांस वैसा ही है. मुझे ये कहा गया है कि मैं आज चंद शब्दों में नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और उसके मद्देनजर जो दिल में ख्याल है मैं कहूं. दिल में यही ख्याल है कि ये जो प्रेम है हम लोग जो पैदा हुए ये पूरी दुनिया तो चल रही है. यह हमारे अपने प्रेम के माध्यम से चल रही है. और यही फिल्म इंडस्ट्री का काम है पूरी दुनिया में ऐसी धूम मचाए. चाहे वो जहां की फिल्में हो अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी ये फिल्में जो बनी है वो रिवर्स हो सकती है तो उसकी जगह ये नेपाल है. क्योंकि पुरुषार्थ और प्रेम का पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा प्रतीक नहीं हो सकता कभी. और इसके अलोहा पूरी दुनिया मानती है. आप देखिए जहां जाइए आगे जो फोर्स होती है वो दूसरी कोई और फोर्स नहीं होती है वो सिर्फ नेपाली फोर्स होती है. ठीक उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से हम आगे जिस वक्त निकले तो प्रेम के माध्यम से आगे निकले और इतना ज्यादा प्रेम फैला दे पूरी दुनिया में कि जहां जाए. मैं कभी आया था किसी टाइम में यहां पे मैंने स्पीच दी थी और कांतिपुर टेलीविजन में मैंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि यहां के बहुत सारे लोग जो है वो उन्हें पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां वो जाया करें जॉब मिला करें. और कहीं कहीं से आवाज आए जी कस्टमर मैंने भी जवाब दिया राम रश. तो ये आवाज इसे ऐसे बुलंद कीजिए. और उसका दूसरा माध्यम नहीं है सिर्फ प्रेम है. मुझे पता है कि जो प्रेम का माध्यम जो शांति जो सदैव अच्छा कहता है उसके भी बहुत दुनिया में दुश्मन हो जाते हैं. उसे भी रिवर्स करेंगे नेपाल के माध्यम से और आगे निकलेंगे. और यही
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माता माता ही सर्वत्र मात्र देव भव विश्वानि देव समित दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नासव त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुक्मे मंगलां मुक्तिर्मोक्षिमामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर और अब जो हम लोग का काम है हम वही काम करें, क्योंकि मैं तो आजकल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं हूं, मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल आया हूं तो ज्यादा स्पीच नहीं दिया करता हूं। तो आइए हम लोग वही काम करें। तो क्या करें भैया, क्या गाना सुनेंगे लागी? थोड़ा थोड़ा सा भाई आप लोग के लिए हेलो कैसे आए गोरी हम तोहर घर हर खेत गए बाबा बाजार गए अकेली हूँ काय अकेली हूँ घर मा तू आई जबाल सर का ही लो सर काइलो कटिया जाड़ा लगे सर काइलो कटिया जाड़ा लगे सर काइलो कटिया जाड़ा लगे जाड़े में बलमा प्यारा लगे किस काइलो कटिया जाड़ा लगे सर काइलो कटिया लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तू बता एक काले कुर्ते वाली तेरा नाम तू बता ए नाम तो बता तेरा नाम तो बता ए तेरा नाम तो बता। और एक हम सब मिलके हम सब मिल के ये गाना गाएंगे। देख सके देख मिल के साथ में वाले एक दूसरे से करते प्यार एक दूसरे के बेकरार एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो तैयार हम वाजे अरे क्या चार आदमी लगे हाँ तैयार हम खाना खाया है आवाज का बात नहीं आ रही थे। अच्छा फाइन अब लगाइए ट्रैक आपका अतिथि एक ही बात यहाँ पे अतिथि रूप में मुझे यहाँ पे बुलाया गया था, परंतु जिस वक्त मुझे ये कहा गया कि यहाँ के लोग अपेक्षा करते हैं कि आप थोड़ा सा डांस नाच गाना हो जाए तो जैसे चार गाना गा चुका हूँ आइए थोड़ा तुमका भी लगा देते हैं हम लोग है ना। सर आपको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे कि अतिथि को हम सत्कार करेंगे और हमारा जो ब्यूटीफुल हीरोइन आपके साली जो है उनको हम साथ में देंगे। दीदी अगर बुरा न मानो तो हमारे साथ है निरुदा सिंह दीदी कभी रेजिना वर्षा शिवाकोटी एक्ट्रेस नहीं है ये मेरे लिए एक्ट्रेसेस नहीं है मेरे लिए साली है और एक और साली भी हम थपते हैं इसमें दीपा सिंह जो सबसे हट्टी कट्टी है और नेपाल की सबसे सफलतम चलचित्र निर्देशक
हैं रा असो आकाश अधिकारी दाई चलचित्र निर्माता संघ का अध्यक्ष वरिष्ठ कलाकार त्यसै गरी अभिनेता वहाँ पनि सँगै साथी हुनुहुन्छ वहाँहरु एउटै एकेडेमीमा अघि पछि पढेर अगाडि बढ्नुभयो दीपक राज गिरी दाई पनि हामी साथमै हुनुहुन्छ र दाई पनि हामी सँगै हुनुहुन्छ अब हामी एकचोटी नाचे हो ओके अब गाना अगाडि बढाउँ